ज़िक्रिया दूसरा बाब। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरेब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पामाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसानो हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूंगा और उसके अंदर उसकी शौकत। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शिमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानिंद परागंदा किए गए, निकल भागो, खुदावंद फरमाता है। ऐसे उन तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बल अफवाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे, तब तुम जानोगे कि रब अल-अफवाज ने मुझे भेजा है। ऐ दुख्तरे सेउन, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे अंदर सकूनत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सकूनत करूंगा, तब तू जानेगी कि रब अल-अफवाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। और खुदावंद यहूदा को मुल्के मुकदस में अपनी मेरास का बखरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकदस मस्कन से उठा है।